बोकारो के चास थाना क्षेत्र से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना चास थाना क्षेत्र के स्थित मुस्कान अस्पताल के समक्ष एक गिफ्ट दुकान में घटी है, जहां अग्निशमन विभाग के 33 वर्षीय चालक सोनू कुमार की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। मृतक सोनू चास थाना क्षेत्र के ही चीरा चास के बसेरा हाउसिंग सोसाइटी का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक सोनू अपने किसी काम से रामनगर कॉलोनी आया था। यहां सोनू कुछ खरीदारी करने एक गिफ्ट की दुकान में घुसा। इसी दौरान किसी बात पर एक युवक से उसकी कुछ बहस हो गई, जिसके बाद उस युवक ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल सोनू वहीं सड़क पर गिर पड़ा। आनंद फानन में घायल सोनू को स्थानीय लोगों ने पास स्थित अस्पताल पहुंचाया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची चास पुलिस, शव का पंचनामा कर सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला तो एक युवक को मौके से भागते हुए देखा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई युवक की पहचान में जुट गई है। भागने वाला शख्स हरे रंग का शर्ट पहने हुए था। मामले की जानकारी देते हुए चास थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने बताया कि पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी है, जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। दोपहर करीब 1 बजे मोनू नामक व्यक्ति का मुस्कान हॉस्पिटल के बगल में चाकू मारकर हत्या होने की सूचना मिली है। उक्त सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम का तैयारी किया जा रहा है और कांड का उद्भेदन हेतु जांच किया जा रहा है। अभी तक जो प्राप्त सूचना मिला है वो बिहार में अग्निशामक सेवा में चालक का नौकरी करता है। हाँ, आज ही सुबह 3:30 बजे वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। अपराधी की भी आप लोग पहचान? हाँ, उसका पहचान किया जा रहा है।